हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी हूँ गोवा में और मैं आप लोगों को बताऊंगा गोवा की ट्रेडिशनल ड्रिंक फेनी के बारे में। सो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि फेनी के बारे में वीडियो बनाइए, और मैं मौका ढूंढ रहा था कि फेनी के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि फेनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह का लेकर है जो शायद दुनिया की बाकी किसी और लेकर से बिल्कुल अलग है। और आप देख सकते हैं कि मैं गोवा में हूँ, पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, देर इज़ अ वाटर फ्रंट और पीछे वहाँ शिप्स में फिशिंग भी चल रही है। सो आई थॉट कि इससे ज़्यादा बेटर मौका क्या होगा आप लोगों को फेनी के बारे में बताने का। सो फेनी एक ट्रेडिशनल गोवन ड्रिंक है। दो तरह की फेनी आपको मिल जाएंगी। नॉर्मली जो फेनी होती है वो होती है कैश्यू फेनी, और उसके अलावा एक और फेनी भी जो होती है वो होती है कोकोनट फेनी। आज मैं जो फोकस करूँगा, इट विल मोस्टली बी ऑन कैश्यू फेनी। क्या होती है फेनी, कैसे बनती है, क्यों स्पेशल है एक फेनी ड्रिंक और मुझे काफ़ी पसंद है, कैसे पीनी चाहिए फेनी, व्हाट इज़ द राइट वे टू ड्रिंक, और जब आप गोवा आते हैं तो क्या आपको फेनी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों को लगता है कि जो कैश्यू फेनी होती है वो एक्चुअली में कैश्यू नट से बनती है। दैट इज़ नॉट करेक्ट। कैश्यू फेनी जो होती है वो बनती है कैश्यू एप्पल्स या कैश्यू जो फ्रूट होता है कैश्यू ट्री का, उससे बनती है। एंड उसे इंटरेस्टिंगली पेड़ से उस फ्रूट को तोड़ा नहीं जाता है, वेट करना पड़ता है कि कब वो फ्रूट पूरा पक जाए, और जब वो अपने आप पेड़ से गिरता है उसके बाद ही उसका यूज़ हो सकता है फेनी बनाने के लिए। और बहुत ही नेचुरल एथनिक तरीका यूज़ करा जाता है फेनी बनाने के लिए। जो ऑथेंटिक फेनी होती है, जो असली फेनी जो गोवा की ट्रेडिशनल है, उसे ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे पुराने, जब वाइन बनती है तो उसमें लोग जंप करते हैं उस जो फ्रूट का, ग्रेप का पल्प बनाने के लिए। वो सेम मेथड यूज़ करा जाता है गोवन फेनी के लिए भी। जो कैश्यू फ्रूट होता है, एप्पल होता है, उसके ऊपर लोग स्टॉम्प करते हैं, कूदते हैं, ताकि उसका पल्प बन सके। उसके बाद जो पल्प है उसे एक क्ले पॉट के अंदर, बहुत बड़ा क्ले पॉट होता है, उसके अंदर उसे छोड़ दिया जाता है फर्मेंट होने के लिए। वो क्ले पॉट आधा ज़मीन से ऊपर होता है और आधा ज़मीन से नीचे, एंड उसमें बिल्कुल भी यीस्ट ऐड नहीं करी जाती। यस, बिल्कुल भी यीस्ट ऐड नहीं करी जाती। नेचुरल फर्मेंटेशन होती है उस पल्प की, और कई दिनों के बाद जब वो फर्मेंटेशन पूरी हो जाती है उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है डिस्टिलेशन का। एंड जब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की, तो नॉर्मली आपको कॉपर पॉट या एल्युमिनियम पॉट्स देखने को मिलते हैं, बट फॉर फेनी इवन आज की डेट में जो पॉट्स यूज होते हैं दे आर द ट्रेडिशनल क्ले पॉट्स। जी हाँ, क्ले पॉट, सुना है आपने किसी विस्की को या वॉडका को क्ले पॉट में फर्मेंट होने के लिए, बट इट्स ट्रू फॉर फेनी, क्योंकि फेनी आज भी ट्रेडिशनल मेथड से बनाई जाती है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं क्ले पॉट्स, बिकॉज उन क्ले पॉट से जो असली टेस्ट है फेनी का वो आता है। ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज हैं आज की डेट में जिन्होंने मॉडर्न मेथड्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, इंस्टेड ऑफ स्टॉम्पिंग वो नॉर्मल चर्निंग मेथड यूज़ करते हैं फ्लावर को पल्प में कन्वर्ट करने के लिए। यीस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया है, कॉपर पॉट्स या स्टील पॉट्स, एल्युमिनियम पॉट्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, बट जो असली तरीका है जो अभी भी ज़्यादातर कंपनीज यूज़ करती हैं फेनी बनाने के लिए, वो यही ट्रेडिशनल मेथड है। और इसीलिए मैंने फेनी को इस ट्रेडिशनल बॉटल में ख़रीदा है। अगेन, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि कौन सी बॉटल खरीदनी चाहिए, कौन सी ब्रांड खरीदनी चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी ब्रांड्स जो आपको एक अच्छा फेनी एक्सपीरियंस देती हैं। बट एक कंप्लेंट जो मुझे सुनने में मिलती है, लोग कहते हैं कि फेनी का टेस्ट बहुत ख़राब होता है यार, पेट फेनी सूंघने में बहुत बुरी होती है, बट उसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे मैंने बताया आपको दैट फेनी इज़ नॉट दैट रिफाइंड एज अ विस्की और वोडका, इवन दो से तीन बार डिस्टिल करा जाता है, बट उसका रीज़न यही है कि उसे एक ट्रेडिशनल मेथड से बनाया गया है। और यार, स्मेल तो हर चीज़ करती है, विस्की भी आपकी स्मेल करती है, टेकीला का जो अरोमा है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो देर इज़ नो रीज़न टू कंप्लेन जस्ट बिकॉज आपकी जो फेनी है वो स्मेल कर रही है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट फेनी को पीने का भी सही तरीका होता है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए ट्राई करते हैं फेनी को, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे फेनी को पिया जाता है। सुंदर, कितनी सुंदर बॉटल है ये। अगेन, यू कैन बाय अ बॉटल लाइक दिस व्हेन यू आर इन गोवा। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जब आप गोवा आते हैं तो एज अ सुवेनियर लेकर जाइए अपने साथ, बिकॉज ब्लैक लेबल ब्लेंडर स्प्राइट तो आपके घर में मिल ही जाएगी यार, बट
फैनी नहीं मिलेगी, यू कैन बाय इट जस्ट एज अ सुवेनियर. सो यू नीड अ ग्लास और साथ में आपको चाहिए लाइम वेजेस एंड यू नीड अ लेमोनेड. यू कैन यूज़ लिमका अगर आप घर में बनाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट बिकॉज फैनी इज ट्रेडिशनली अ समर ड्रिंक. तो आप इस मौसम में जब आपको थोड़ी गर्मी लग रही हो, इफ़ यू वॉन्ट कूल डाउन, यू कैन मेक अ फैनी. वॉट यू नीड इज़ अ लाइम, जिसे आप अपने ग्लास में स्क्वीज करिए और डाल दीजिए एंड एड सम लिमका एंड यू कैन पुट सम आइस एज वेल बिकॉज आइस इज ऑल्सो वेरी रिफ्रेशिंग. और आप टेस्ट करके देखते हैं फैनी को. Quite refreshing. There is a bite of alcohol, but I think lime and fenny ka jo taste hai, it goes very well together. Or maybe main bolunga fenny is not a drink jise aapko neat peena chahiye, on the rocks peena chahiye. I think lime goes really well with fenny. So aap jab bhi fenny peena chahe, use nimbu pani ke saath ya lime soda ke saath ya lemonade ke saath try kariye. It is one of the most refreshing things, especially during the summer time. So again, this question ki kyun fenny itni sasti hai, jaise maine bataya tha aap logo ko apne port wine wale video mein ki it's a traditional Goan drink. So jo locals hain Goa ke, wahi use banate hain. They have been doing it for hundreds of years. Fenny Goa mein tab se banti aa rahi hai jab Goa ko koi janta bhi nahi tha. It's a part of Goan culture aur isiliye गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट करती है. जो टैक्सेस हैं वो कम हैं फैनी के ऊपर एंड दैट्स वाई जो प्राइस है इसका वो कम है. इट्स नॉट अ ड्रिंक जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है. इट्स अ लोकल ड्रिंक, आपको गोवा में मिलेगी, गोवा से बाहर आपको शायद मिले भी ना फैनी की बॉटल. तो इसीलिए इसका प्राइस कम रखा गया है ताकि लोग इसे खरीदें, इसे बढ़ावा दें, जो आपको देना भी चाहिए. आई थिंक एक ऐसी ड्रिंक है जो डेफिनेटली आपके होम बार में होनी चाहिए, आपके कलेक्शन में होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ लोकल ड्रिंक, इट्स मेड इन इंडिया. तो अगर आप वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हैं तो फैनी को भी सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए. और जब आप गोवा आते हैं तो इसकी बॉटल डेफिनेटली खरीदनी चाहिए. और आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे पीनी चाहिए फैनी. सो नाउ यू गाइस नो. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइब आई एम श्योर आप लोगों ने कर दिया होगा. कैसा लगा ये बैकग्राउंड मुझे बताइए. और अगर फैनी को लेकर आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे वो भी बताइए. आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.